एक और स्टार की बेटी, बल्कि स्टार नहीं, किंग खान की बेटी बॉलीवुड में कदम धरने को तैयार है। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल आईडिया न्यूज में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फिल्मी अंदाज के चटपटी बातें को लेकर अधिक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना भाई, सब सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, किंग खान, शाहरुख खान, कुछ भी आप कर सकते हो, लड़कियों की जान ही, लड़कों की शान, किंग खान, भाई भाईजान तो एक्चुअली सलमान खान है भाई साहब। उनकी बेटी यानी कि सभी को पता है सुनैना खान, सुहाना खान, सॉरी सुहाना खान। और जब 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 वो मीडिया में आती है, टीआरपी ना शाहरुख खान से ज़्यादा बटोर रही है अब आजकल। और भैया, अब खबर आ रही है कि अब बॉलीवुड में लॉन्च होने वाली है, लेकिन सभी लोगों को पता है कि चर्चाएं काफ़ी दिनों से थी कि करण जौहर उन्हें लॉन्च करने वाले, क्योंकि करण जौहर ने ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई लोगों को लॉन्च किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे को, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर के बच्चे हो, भाई साहब ये जो जिम्मेदारी है करण जौहर को दिया गया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी उनसे छिन चुकी है। जी हाँ, पिंक विला का एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये जो जिम्मेदारी दिया गया है फरहान अख्तर की बहन, भाई साहब वही फरहान अख्तर जिनकी फिल्में बवाल मचाती है और उनकी बहन की फिल्में बवाल मचाती है, और उनकी बहन है जोया अख्तर को दिया गया है। जी हाँ, खबर आ रही है कि जोया अख्तर एक नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बना रही है, उसमें जोया खान कॉमिक बुक आर्ची का एक प्रोजेक्ट बना रही है जो कि ओटीटी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, यानी नेटफ्लिक्स के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है और ये कॉमिक बुक आर्ची के लिए, और इसमें सुहाना खान का नाम सजेस्ट किया गया है। तो यानी कि शाहरुख खान की जो बेटी है, किंग खान की जो सुपुत्री है, वो बॉलीवुड में तैयार है लॉन्च के लिए, और वो भी जोया अख्तर के साथ। और साथ ही साथ इसमें खबर ये भी आ रही है कि दो और बड़े नाम इंडस्ट्री के, दो बड़े और नाम, ये कौन नाम होंगे ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दो बड़े नाम लॉन्च के लिए तैयार हैं। क्या कहना है? करण जौहर को छोड़कर जोया अख्तर के पास लॉन्च होने के लिए सुहाना खान को लेकर मुद्दे पर कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यार। धन्यवाद।